बार के चुनाव ने दुनिया के सबसे पुराने लोकतांत्रिक देश अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया है। 2024 में 543 सीटों पर हुए आम चुनाव में करीब 1,35,000 करोड़ रुपए खर्च हुए। कुल खर्च के 40% सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने खर्च किए, बाकी 60% में कांग्रेस समेत अन्य दलों ने खर्च किया था। भारत एट 9 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। हमारे देश में अब तक 18 आम चुनाव हो चुके हैं, लेकिन इस बार के चुनाव ने दुनिया के सबसे पुराने लोकतांत्रिक देश अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया है। अब आप सोचते होंगे कि किस मामले में, तो हम आपको बताते हैं कि हमारा देश चुनाव प्रचार के खर्च के मामले में अमेरिका को पीछे छोड़ चुका है। 2024 में 543 सीटों पर हुए आम चुनाव में करीब 1,35,000 करोड़ रुपए खर्च हुए, यानी देश के हर वोटरों के पीछे लगभग 1,400 रुपए खर्च हुए। अगर पिछले दो चुनावों की बात करें तो 2019 के लोकसभा चुनाव में लगभग 60,000 करोड़ रुपए, कुल खर्च के 40% सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने खर्च किए, बाकी 60% में कांग्रेस समेत अन्य दलों ने खर्च किया था। लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो कम से कम 75 से 85 सीटें ऐसी थी जहां प्रत्याशी विशेष ने 40 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए। ये चुनाव आयोग द्वारा प्रत्याशी के लिए तय की गई खर्च की अधिकतम सीमा से 50 गुना से ज्यादा है। 2019 में उम्मीदवारों के लिए खर्च की अधिकतम सीमा 70 लाख रुपए थी। इससे पहले 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में 38,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। इन खर्चों से इतर क्या आप जानते हैं कि इस बार चुनाव लड़ने के लिए अपने उम्मीदवारों को सबसे ज्यादा पैसे किस पार्टी ने दिए हैं? चुनाव आयोग के मुताबिक भारत में लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए हर उम्मीदवार अधिकतम 95 लाख रुपए तक खर्च कर सकता है। खर्च करने के लिए उम्मीदवार खुद के साथ साथ ये पैसा पार्टी फंड और चंदा के जरिए जुटा सकता है। उम्मीदवारों को इस खर्च का एक एक हिसाब देना होता है। अगर आयोग को लगता है कि हिसाब में कोई गड़बड़ी है तो वो जांच कराकर उम्मीदवार पर एक्शन भी ले सकता है। अब आइए जानते हैं कि 2024 में किस पार्टी ने किन किन उम्मीदवारों को सबसे ज्यादा रुपए दिए। सबसे पहले शुरुआत देश की सबसे ओल्ड ग्रैंड पार्टी कांग्रेस से करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव में करीब 300 उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन आधिकारिक तौर पर पार्टी ने सिर्फ 23 उम्मीदवारों को ही पैसे दिए। कांग्रेस पार्टी की तरफ से सबसे ज्यादा 1,40,00,000 रुपए राहुल गांधी को मिले। राहुल को 70 लाख रुपए वायनाड के लिए और इतने ही रुपए बरेली के लिए भी मिले हैं। कांग्रेस संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल अमेठी से उम्मीदवार, किशोरी लाल शर्मा आनंदपुर साहिब से विजय इंदर सिंगला और विरुधनगर से मणिकम टैगोर को 70-70 लाख रुपए पार्टी फंड से मिले। इसके अलावा कांग्रेस ने लिस्ट में शामिल अधिकांश नेताओं को 50-50 लाख रुपए दिए। इनमें दिग्विजय सिंह, अनुपूर्णा सिंह, यशविनी सहाय का नाम शामिल है। धुबरी से सांसद रकुबल हसन को कांग्रेस ने 75 लाख रुपए पार्टी फंड से दिए। रकीबुल इस चुनाव में 10 लाख से ज्यादा वोटों से जीत हासिल कर चुके हैं। अब हम तृणमूल कांग्रेस की बात करते हैं। ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने अपने सभी उम्मीदवारों को 75-75 लाख रुपए पार्टी फंड से दिए। पार्टी कोषाध्यक्ष अरुण विश्वास की तरफ से चुनाव आयोग को दिए गए ब्यौरे के मुताबिक पूरे देश में तृणमूल की तरफ से 48 उम्मीदवार उतारे गए थे, जिन्हें फंड से खर्च के लिए 75-75 लाख रुपए दिए गए। पार्टी ने बंगाल की 42 सीटों के अलावा असम की 4, मेघालय की 1 और यूपी की 1 सीट पर उम्मीदवार उतारे थे। पार्टी को 48 में से सिर्फ 29 सीटों पर जीत मिली। अब हम यूपी की सियासत में अपनी छाप छोड़ने वाली समाजवादी पार्टी की बात करते हैं। समाजवादी पार्टी ने कन्नौज सीट से चुनाव लड़ने के लिए पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव को 4 किस्तों में 60 लाख रुपए दिए, जबकि मैनपुर से चुनाव लड़ी उनकी पत्नी को 72 लाख रुपए दिए गए। फिरोजाबाद से चुनाव लड़े रामगोपाल यादव के बेटे अक्षय को 25, आजमगढ़ से चुनाव लड़े धर्मेंद्र को 20 लाख रुपए मिले। सपा ने शिवपाल के बेटे आदित्य को पार्टी फंड से 1 भी रुपए नहीं दिया। फैजाबाद से सांसद चुने गए अवधेश प्रसाद को सपा की तरफ से 20 लाख रुपए मिले। इसी तरह आजम खान की करीबी और मुरादाबाद से सांसद चुनी गई रुचि वीरा को 10 लाख रुपए दिए गए। बहुजन समाज पार्टी की तरफ से चुनाव आयोग को दिए गए ब्यौरे के मुताबिक पार्टी फंड से चुनाव लड़ने के लिए किसी भी उम्मीदवार को पैसे नहीं दिए गए थे। बीएसपी यूपी की 80 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही थी। इसके अलावा मायावती की पार्टी ने मध्य प्रदेश, हरियाणा समेत कई अन्य राज्यों में भी उम्मीदवार उतारा था। इन राज्यों में भी पार्टी उम्मीदवार को चुनाव लड़ाने के लिए पैसा नहीं मिला था। आइए अब आपको आम आदमी पार्टी के बारे में बता देते हैं कि आपने अपने कितने प्रत्याशियों को पैसे दिए। चुनाव लड़ने के लिए आम आदमी पार्टी की तरफ से सिर्फ 3 प्रत्याशियों को पार्टी फंड से पैसा मिला। आपके कोषाध्यक्ष एनडी गुप्ता की तरफ से दी गई जानकारी में कहा गया है कि पार्टी ने पूर्वी दिल्ली के प्रत्याशी कुलदीप कुमार,
नई दिल्ली के प्रत्याशी शोभनाथ भारती और गुजरात के भरूच से प्रत्याशी चैतर बसावा को पार्टी फंड से पैसे दिए। जानकारी के मुताबिक पार्टी चैतर बसावा को सबसे ज्यादा 30 लाख रुपए, कुलदीप कुमार को 21 और शोभनाथ भारती को 9 लाख रुपए दिए गए। पार्टी ने पंजाब और हरियाणा के उम्मीदवारों को कोई पैसा नहीं दिया। वहीं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने भी खर्च का ब्यौरा चुनाव आयोग को सौंपा है। AIMIM ने देश में 14 जगहों पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन पार्टी फंड से सिर्फ हैदराबाद के उम्मीदवार असदुद्दीन ओवैसी को पैसे मिले। पार्टी महासचिव अहमद पाशा कादरी की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक असदुद्दीन ओवैसी को चुनाव लड़ने के लिए 2 किश्तों में 52 लाख रुपए दिए गए। पार्टी ने इसके अलावा किसी भी उम्मीदवार को पैसे नहीं दिए। अब हम बात करते हैं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वाराणसी से चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी ने 50 लाख रुपए दिए। यह ब्यौरा नरेंद्र मोदी ने चुनाव आयोग से साझा किया। अयोध्या के उम्मीदवार लल्लू सिंह को 20 लाख रुपए चुनाव लड़ने के लिए दिए गए, हालांकि वो अयोध्या की सीट हार गए। इसी तरह मंडी से चुनावी मैदान में उतरी बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत को बीजेपी ने 50 लाख रुपए पार्टी फंड से दिए थे। देखिए, चुनाव में कोई राजनीतिक दल कितना खर्च कर सकता है इसकी तो कोई सीमा नहीं है, लेकिन लोकसभा चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों के लिए राशि 95 लाख रुपए तय की गई है। इसी तरह विधानसभा चुनाव में एक प्रत्याशी 40 लाख रुपए तक खर्च कर सकता है। कुछ छोटे राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों में लोकसभा प्रत्याशी के लिए खर्च की सीमा 75 लाख रुपए और विधानसभा प्रत्याशी के लिए खर्च की सीमा 28 लाख रुपए है। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि चुनावों में कितना पैसा खर्च होता है। तो वोट बहुत कीमती है, पैसा बहुत कीमती है, क्योंकि जनता का ही पैसा है जो घूम फिरकर पार्टियों के पास रहता है, फंड निकलता है और उसके बाद फिर से चुनाव में खर्च किया जाता है। आप समझदार हैं, आने वाले चुनावों में उम्मीद है कि रिपोर्ट आपके काम आएगी। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर लौटेंगे किसी और मुद्दे पर बात करेंगे। धन्यवाद।